Next question. The current efficiency of an electrode deposition of copper metal in which 9.8 gram of copper is deposited by a current of 3 ampere for 10,000 seconds from aqueous sulfate solution is about. ठीक है, हमें क्या बोल रहे हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें करंट पास किया है 3 एम्पियर का फॉर 10,000 सेकंड्स, तो कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, 9.8 ग्राम। अब आपसे पूछ रहे हैं कितने एफिशिएंसी थी इस पूरे प्रोसेस की, करंट एफिशिएंसी बेसिकली पूछ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, या तो आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लगा लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि आइडियली कितना डिपॉजिट होना चाहिए था कॉपर मेटल। अगर आप इतना एम्पियर करंट और इतना टाइम के लिए देते हो तो कितना कॉपर डिपॉजिट होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और हुआ कितना है, 9.8। जितना हुआ है अपॉन में जितना होना चाहिए था मल्टीप्लाई बाय 100 इज बेसिकली व्हाट एफिशिएंसी, ऐसे निकाल लो। तो क्या दिया हुआ है हमें, हम क्या करते हैं, W इज इक्वल्स टू जेड आई टी, जेड क्या होता है, ई बाय एफ इंटू आई टी ई, यानी कि इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 63.5 डिवाइडेड बाय 2, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू फैराडे, करंट कितना है 3 एम्पीयर 10,000 सेकंड्स के लिए। तो यहां से जो आएगा वो आएगा आपका वेट ऑफ कॉपर जो कि एक्चुअली डिपॉजिट होना चाहिए था, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 9.87 ग्राम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 9.87 ग्राम आएगा। अब एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी कितना आना चाहिए था, 9.87, दिस इज जस्ट लाइक आवर मार्क्स, कितने आने चाहिए थे अपॉन में, जितने आए हैं अपॉन में जितने आने चाहिए थे मल्टीप्लाई बाय 100, तो आया कितना है 9.8, आना कितना चाहिए था 9.87 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा आपके पास, 99% इसकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर बी।